दोस्तों आप सभी ने लिंगराज मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, जो भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध अद्भुत रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जो पूरी धरती पर और कहीं नहीं है, और यही कारण है कि इस मंदिर को देखने के लिए रोजाना हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लिंगराज मंदिर के ऊपर वैज्ञानिकों की हमेशा से ही नज़र रही है। उन्होंने इस मंदिर के आसपास कई शोध किए और इस मंदिर के छुपे रहस्य को समझने की बहुत बार कोशिश की। वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पहले लिंगराज मंदिर के नीचे खुदाई करने का प्लान किया, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि इस मंदिर के नीचे कुछ तो रहस्य छिपा है। उन्होंने जैसे ही मंदिर के नीचे खुदाई करवाई, अंदर से एक ऐसी चीज बाहर निकल कर आई जिसके कारण वैज्ञानिकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सभी भक्त और वैज्ञानिक इस नज़ारे को देखकर भौचक्के रह गए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में अच्छे से जान सके और हमारी विरासत के अद्भुत पहलुओं से आप अवगत हो सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों मंदिर को देखने के दो नज़रिए होते हैं। पहला, जो सिर्फ मंदिर को भक्ति भाव और धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, और दूसरा जो मंदिरों को सिर्फ वैज्ञानिक नज़रिए से ही देखते हैं ताकि मंदिरों के पीछे छुपे विज्ञान को समझा जा सके। तो चलिए पहले इस मंदिर को धार्मिक नज़रिए से देखकर बात करते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और प्राचीनतम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। ये भारत का एक लौता मंदिर है जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की ही रूप इस मंदिर में बसते हैं, और वो भी एक साथ। लिंगराज मंदिर की प्रसिद्धि और महत्व की वजह से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शंकर और विष्णु के हरिहर स्वरूप के दर्शन करके अभिभूत होते हैं। ये मंदिर न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व की वजह से बल्कि अपने अद्भुत बनावटों की वजह से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये उड़ीसा राज्य के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। भगवान शिव के हरिहर रूप को समर्पित लिंगराज मंदिर को सोमवंशी साम्राज्य के राजा जाजती केशती द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग जा सकते हैं, अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर में आने की अनुमति नहीं है। भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर के वर्तमान स्वरूप को करीबन 11वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों एवं विद्वानों की माने तो यह मंदिर 6वीं शताब्दी के बाद से ही अस्तित्व में आ गया था, क्योंकि 7वीं सदी के संस्कृत लेखों में इस मंदिर का जिक्र किया गया है। अपने धार्मिक महत्व एवं बेहतरीन कारीगरी के लिए पूरे देश में विख्यात लिंगराज मंदिर से कई मान्यताएँ एवं पौराणिक कथाएँ जुड़ी है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती ने दो महापापी राक्षसों का वध भुवनेश्वर के इसी स्थान पर किया था, और इस युद्ध के बाद जब देवी पार्वती को प्यास लगी तो भगवान शिव यहां अवतरित हुए और सभी नदियों के योगदान से बिंदु सरस झील का निर्माण किया, जो कि बिंदु सागर सरोवर के नाम से आज भी जाना जाता है। इस सरोवर के पास ही लिंगराज का ये अद्भुत एवं विशालकाय मंदिर स्थापित है। भारत के शानदार मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है। मुख्य मंदिर से गौरी, गणेश और कार्तिकेय के तीन छोटे छोटे मंदिर भी जुड़े हैं। इसके अलावा ये मंदिर हिंदू देवी देवताओं के करीबन 150 छोटे छोटे मंदिरों से भी घिरा है। मंदिर के चार प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें से गर्भगृह, यज्ञशैलम, भोग मंडप और नाट्यशाला भी शामिल है। अब बात करते हैं इस मंदिर के वैज्ञानिक नज़रिए से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक हमेशा भारत के मंदिरों के रहस्यों को उजागर करने में लगे रहते हैं, और इसी क्रम में उन्होंने इस मंदिर के नीचे और इसके आसपास के इलाकों में शोध कार्य करना शुरू किया। वो ये जानते थे कि ये मंदिर जितना कहा जाता है उसे कई गुना ज़्यादा प्राचीन है, और इस मंदिर के नीचे कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपी है। उन्होंने अपने अत्याधुनिक मशीनों से इस मंदिर की खुदाई करवाई। इस दौरान एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिले, जो करीबन 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। खुदाई में एक शिवलिंग भी मिला जिसके कई हिस्सों पर पत्थरों के मीनाकारी की गई है। ईएसआई को इस जगह पर ऐसे कई मंदिरों के हिस्से
और कलाकृतियाँ मिली जिसे देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये मंदिर परिसर जितना बड़ा अभी दिखता है उसे कई गुना ज़्यादा ये मंदिर प्राचीन काल में फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर चारों ओर से सहायक मंदिरों से घिरा हुआ था। खुदाई के दौरान दीवार के कुछ हिस्से भी मिले जिन पर मूर्तियां बनी हुई है और उन पर नक्काशी भी की गई है। ये मूर्तियां संस्कृत महाविद्यालय के परिसर के नीचे दबी थी। रिपोर्ट्स में ASI ने बताया कि खुदाई में मिले मंदिरों के अवशेष नज़दीक स्थित ब्रह्मेश्वर और चित्रकर्णी मंदिरों की तरह ही है। इतिहासकारों का कहना है कि भुवनेश्वर की पहचान मंदिर मालिनी के रूप में होती थी क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 1000 से ज़्यादा मंदिर मौजूद है और आज की तारीख में इनमें से अधिकांश अतिक्रमण के भेंट चढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी कहा था कि भारत के जो आज प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है उसके नीचे आज भी कई प्राचीन और पौराणिक मंदिरों के अवशेष दबे पड़े हैं। हमारे भारत के समृद्ध रहने का इतिहास इतना पुराना है कि उस वक्त भारत को छोड़कर पूरी धरती पर लोग अंधेरे में रहा करते थे। जब भारत के लोग गले में सोना चांदी और हीरा धारण करते थे तब बाकी दुनिया के लोग पत्थरों से आग जलाना सीख रहे थे। इसीलिए भारत के मंदिरों, भारत के समृद्धशाली इतिहास और भारतीय होने पर हमें हर वक्त प्रतिबल गर्व होना चाहिए। लिंगराज मंदिर तक कैसे पहुँचे और इसके बारे में और भी कई जानकारियाँ हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।